हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों 7:30 और अभी मैं आ चुका हूँ भाई टमाटर की खुदाई करने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, कल खाद दिए थे, कल खुदाई नहीं कर पाए थे। ये नवल गोल को लगा रहे थे शाम को, इसलिए इसमें नवल गोल लग चुका है। ये देखिए पूरा एरिया, और इधर खाली है, इसमें शाम को हो सकेगा तो लगाएँगे। और इधर देखो मम्मी खुदाई कर रही है, कल सुबह इस साइड को खुदाई किए थे। अभी पूरा बाड़ी बाकी है खुदाई करने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार, अभी धूप निकला है तो आए हैं बाड़ी में, बहुत ज़्यादा ठंड कर रहा है। चलो अभी खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं दोस्तों 10:00, और कितना सारा अभी खुदाई कर लिए हैं चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला हिस्सा लगभग कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा बचा है भाई, दो लाइन बचा है, एक ये वाला एक ये वाला, दो ही लाइन बचा है इस हिस्सा का, पूरा कंप्लीट हो गया। उधर धूप ज़्यादा है तो पौधा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इधर छाया है तो देखो मस्त हरा भरा दिख रहा है पौधा कुछ इस प्रकार से। इस साइड तो कुछ बीमारी नहीं दिख रहा है पौधे में, लेकिन उस साइड के पौधे में ना हल्का हल्का बैगनी कलर आना स्टार्ट हो चुका है। उसका कारण था दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर या DAP डालना था, लेकिन अभी डाल रहे हैं यार बहुत लेट में। अभी NPK 19-19-19 का भी स्प्रे करूँगा। चलो पहले अभी इसकी खुदाई कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी दो ढूरू बचा था उसकी भी खुदाई कर लिए हैं। ये देखो भाई, और इस साइड के टमाटर के पौधे को बकरी खा दी है, देखो नहीं दिख रहा पत्ता एक भी, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है खुदाई होने के बाद। अब ये वाला हिस्सा बच गया है, अब इसकी खुदाई शाम को करेंगे भाई, शाम को या फिर कल सुबह इसकी खुदाई करेंगे। अब देखते हैं, शाम को कुछ दूसरा काम करेंगे तब तो खुदाई नहीं करेंगे, और दूसरा काम नहीं रहेगा तो फिर इसकी खुदाई करेंगे। चलो अभी चलते हैं घर। अभी बज रहे हैं दोस्तों 3:40, और अभी फिर से आ चुके हैं भाई टमाटर की खुदाई करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, अभी ये दूसरे हिस्सा की खुदाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये वाला हो हिस्सा का तो सुबह का खुदाई कर दिए थे, इस हिस्सा की भी खुदाई कर देते हैं। चलो भाई अब काम में लग जाते हैं, धान कुटाने के लिए गया था इसीलिए थोड़ा समय लग गया, वरना अब तक काम में भिड़ जाए रहते। अभी बज रहे हैं दोस्तों 5:00, और अभी ना दो दो लाइन बस खुदाई की है भाई मैं और मेरी पत्नी। ये देखो, चार लाइन बस खुदाई हुआ है, और इस साइड अभी पूरा बचा हुआ है। आजकल यार शाम हो जाता है बहुत जल्दी ना, इसी चक्कर में ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा लग रहा है। वैसे भी आज मैं लेट में आया हूँ, और दो ही लोग खुदाई कर रहे हैं तो ज़्यादा तो खुदाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत होगा। चलो अभी एक आध दो लाइन और खुदाई कर लेते हैं, इस साइड फिर सुबह खुदाई करेंगे। चलो भाई अभी समय है तब तक खुदाई कर लेते हैं। अभी बज रहे हैं दोस्तों 5:30, और अब ना समय ढल चुका है भाई। और ये देखिए, एक एक लाइन और खुदाई किए हैं, 6 लाइन टोटल खुदाई हुआ है, और बाकी इधर बचा हुआ है जो सुबह में हो सकेगा तो कम्प्लीट हो जाएगा। इस साइड का तो सुबह में बहुत सारा काम कम्प्लीट हुआ था, यहाँ से लगभग लेकर पूरा वहाँ तक खुदाई किए थे 3 लोग मिलकर, और अभी भी उतना ही एरिया ये भी बचा हुआ है। सुबह में लगता है कंप्लीट हो जाना चाहिए, अब मुझे लग रहा है ऐसा, अब कल सुबह खुदाई करेंगे तभी पता चलेगा। और इसके ना बीच बीच को खुदाई करना पड़ रहा है, इसीलिए ना इतना समय लग रहा है, वरना नाली नाली बस को खुदाई करते तो इतना ज़्यादा समय नहीं लगता।
यहाँ पे घास उग रहा है, देखो ये देख सकते हैं घास उग रहा है, इसीलिए बीच को भी खुदाई करना पड़ रहा है। नाली में तो उग रहा है सो उग रहा है, बीच में भी उग रहा है घास, इसीलिए खुदाई कर रहे हैं। मल्चिंग पेपर रहता तो ज़रूरत नहीं था खुदाई करने का, लेकिन अब मल्चिंग पेपर के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है भाई, तो पैसे नहीं है अपने पास, इसीलिए नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं। अब घास उग रहा है तो खुदाई करना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं दोस्तों कल में खुदाई हो जाएगा तो। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 7:30 और अभी मैं आ चुका हूँ फिर से टमाटर की खुदाई करने के लिए। ये देखिए दोस्तों इतना सारा बचा हुआ है अभी खुदाई करने के लिए, और कल शाम को इस साइड को खुदाई किए थे, अब इस साइड बचा हुआ है। अभी मैं बस आया हूँ, मम्मी भी आ रही है, तो दो ही लोग मिलकर खुदाई करेंगे। यार मेरी पत्नी कुछ और काम कर रही है घर का, तो दो ही लोग लगता है खुदाई करना पड़ेगा। देखते हैं अब अभी मैं खुदाई कर पाएंगे या नहीं। चलिए दोस्तों अभी काम में लग जाते हैं। अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 10:45 और अभी कितना सारा खुदाई कर लिए हैं चलिए दिखाता हूँ भाई। ये देखिए दोस्तों इतना सारा पूरा खुदाई हो चुका है, अब ये दो चार लाइन और बाकी है। चलो अभी बचा है उसकी खुदाई कर लेते हैं। अभी बज रहे हैं दोस्तों दोपहर के 12 और अब जाके पूरा खुदाई का काम कंप्लीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों खुदाई कर लिए हैं सभी तरफ, और बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है यार। अभी मैं छाया में हूँ, छाया का पौधा देखो मस्त हरा भरा दिख रहा है। चलो भाई कम से कम टमाटर की खुदाई तो हुआ, अब इसमें खाद वगैरह डालेंगे, खाद वगैरह दे के पानी पलाएंगे, एक आध दो दिन सूखने दो अच्छी तरीके से, जो घास वगैरह उग रहा था वो पूरा मर जाएगा, उसके बाद फिर पानी पलाएंगे। और दो दिन में कंप्लीट हुआ है भाई ये काम खुदाई करने वाला। अब गोभी वगैरह भी खुदाई करने लायक हो गया है तो उसकी भी खुदाई करेंगे। अभी नवल गोल भी लगाना बाकी है यार, थोड़ा सा बचा है 3-4 डूहरू, उसमें नवल गोल लगाएंगे। और नवल गोल लगाए थे उसको भी दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा जड़ पकड़ लिया, ठीक ठाक दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों टमाटर के जस्ट नीचे वाले बाड़ी में है, अब थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है नवल गोल, देख सकते हैं इसमें पूरा लगा है। और वो ऊपर में 3 डूहरू अभी खाली है, ये वाला 3 डूहरू उसमें लगाएंगे, शाम को लगाएंगे भाई उसमें नवल गोल। तो ठीक है दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर। अभी बज रहे हैं दोस्तों शाम के 3 और अभी मैं फिर से आ चुका हूँ भाई बाड़ी, अभी नवल गोल लगाने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर खाली एरिया पड़ा है, 3 डूहरू उसी में लगाएंगे, और इस साइड भी खाली है, लेकिन इसमें अभी ट्रैक्टर ले जाने के लिए जगह छोड़े हैं, धान वाले खेत की जुताई करवाना है तो इसमें अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। अभी ये 3 डूहरू में लगाएंगे और 1 डूहरू उस साइड भी है लास्ट में। चलिए दोस्तों अभी मैं नाली बना लेता हूँ। अभी बज गए हैं दोस्तों शाम के 5 और अभी ना सभी तरफ नाली निकाल लिया हूँ गाइस। ये देख सकते हैं नाली भी निकाल लिया हूँ और नवल गोल लगा भी लिए हैं। मैं नाली निकाल ही रहा था और मेरी पत्नी और मेरी मम्मी लगा रही थी। ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से 3 डूहरू में लग चुका है, यही बचा था, और 1 डूहरू उधर है, और ये बीच वाला धनिया है भाई साहब, देख सकते हैं शाम हो गया तभी कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन एकदम हरा भरा धनिया। ये देखो ये लास्ट वाला डूहरू है, थोड़ा सा बचा है उस साइड, चलो अभी बचा है उसको लगा लेते हैं। अभी दोस्तों नवल को लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं गाइस इस डूहरू में भी लग गया, थोड़ा सा बचे उसको लगा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ भाई ट्यूबवेल को चालू करूँगा, इसको पानी पला देते हैं। अभी दोस्तों ट्यूबवेल को चालू कर दिए हैं, ये देखो भाई
अब चलिए चलते हैं बाड़ी के पास। अभी दोस्तों बाड़ी के पास पहुंच चुका हूं और पानी भी आ गया है यार बाड़ी में। ये देख सकते हैं नाली के माध्यम से आ रहे हैं। अभी सबसे लास्ट डुहरू में जा रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं। इसके बाद धनिया है, उसके बाद फिर वो वाला क्या बोलते हैं यार, नवल गोल है। सबसे पहले इसी को पला लेते हैं, उसके बाद लाइन से फिर पलाते हुए जाएंगे। चलो गाइस पला लेते हैं, पानी देखते हैं कितना समय लगता है। फाइनली दोस्तों पानी पला लिए हैं, ये देख सकते हैं भाई। अब शाम हो गया है तो वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। लास्ट डुहरू में देखो जा रहा है पानी, हल्का हल्का सा आ रहा है। ट्यूबवेल को बंद करवा दिए हैं। अब जाके दोस्तों सभी तरफ नवल कुल लगा, मतलब जगह जहाँ जहाँ पे जगह खाली था वो, अब ये वाला हिस्सा बस और बच गया यार। ये चार डुहरू बचा हुआ है, लेकिन इसमें अभी नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ा बाद में लगाएंगे। इसको ट्रैक्टर ले जाने के लिए रखे हैं खेत तरफ, जगह भी चाहिए। अब कहीं सब्जी लगा देंगे तो फिर ट्रैक्टर जाते नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पे छोड़ दें खाली जगह को। और अभी ना नर्सरी भी बहुत सारा बचा हुआ है यार, लेकिन जगह अभी फ़िलहाल खाली नहीं है। तो देखते हैं अभी खेत में जुताई करवाएंगे, फिर उसी में हो सकेगा तो नवल गोल को लगाएंगे, बचा है नर्सरी उसको। एक बार चलिए दिखा देता हूँ दोस्तों बाड़ी को। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से लेकर पूरा उस साइड नवल गोल लगा है, इस साइड और नीचे साइड भी नवल गोल लगा है, और फूल गोभी लगा है, और इसके ऊपर में टमाटर लगा है। कुछ ठीक ठाक दिख ही नहीं रहा है यार, शाम हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आगे का जो भी अपडेट रहेगा उसको दूंगा यार। फिलहाल तो आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं दोस्तों। कैसा लगा आज ये ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग देखने को मिलेगा इस अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।